Today I will discuss about the empirical formula. What is empirical formula? क्या समझते हैं आप empirical formula के बारे में? Actually, empirical formula is the simplest whole number ratio of various atom present in a compound. तो definition क्या होगा empirical formula का? आप इसको लिख सकते हो simplest whole number ratio of various atom present in a compound. Empirical formula is the simplest whole number ratio of various atom present in a compound. Okay, empirical formula को हम find कैसे करते हैं? आप तो जान गए कि empirical formula is the simplest whole number ratio of atom or various types of atom present in a compound. But बच्चों आपको याद रखना है कि अगर किसी question में element दिए हैं तो उसका हमको find करना है percentage by weight. अगर दिया है तो ठीक है, otherwise आपको find करना होगा. फिर हम लिखते हैं उसका atomic number और percentage बाई वेट को हम एटॉमिक वेट से डिवाइड करके सिंपल होल रेशियो फाइंड करते हैं, जिसके रेशियो की मदद से हम एम्पिरिकल फार्मूला को राइट करते हैं. आइए आज मैं आपको सबसे सिंपलेस्ट मेथड बताने जा रहा हूँ एम्पिरिकल फार्मूला को फाइंड करने के लिए. आपको सबसे फर्स्ट लिखना है एलिमेंट आपने लिखा, उसके बाद आपको लिखना है यहाँ पे परसेंटेज बाई वेट, उसके बाद आप लिखते हैं परसेंटेज बाई वेट के बाद एटॉमिक वेट लिखेंगे. किसका? इस एलिमेंट का एटॉमिक वेट. एटॉमिक वेट के बाद आप क्या लिखते हैं यहां पे? परसेंटेज बाय वेट को हम लोग एटॉमिक वेट से डिवाइड करते हैं. एटॉमिक वेट से डिवाइड करके हम फाइंड अप कर लेते हैं सिंपलेस्ट रेशियो, और सिंपलेस्ट रेशियो के बाद हमको मिलता है इसका रेशियो. जो ये रेशियो होता है, इसे रेशियो के हेल्प से हम लोग एम्पिरिकल फार्मूला को राइट करते हैं. क्वेश्चन है, इन अ कंपाउंड एक्स इज 75.8% एंड वाई इज 24.2% बाय वेट प्रेजेंट. इफ एटॉमिक वेट ऑफ एक्स एंड वाई आर 24 एंड 16 रिस्पेक्टिवली, देन कैलकुलेट द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड. इसमें एक्स और वाई का परसेंटेज वेट दिया है और एक्स और वाई का एटॉमिक वेट भी दिया है. आपको फाइंड क्या कर रहा है? करना है कैलकुलेट द एम्पिरिकल फार्मूला. एम्पिरिकल फार्मूला पूछ रहा है, जैसे अभी हमने आपको बताया था, आइए इसका हम लोग सोल्यूशन निकालते हैं. मैंने आपको बताया था आपको लिखना है सबसे पहले एलिमेंट के बाद हमको क्या लिखना होता है? जो क्वेश्चन में दिया गया परसेंटेज बाई वेट होता है, यहाँ पर परसेंटेज बाई वेट दिया हुआ है. अगर नहीं दिया होता तो हम इसको कैलकुलेट करते. हमको यहाँ लिखना है परसेंटेज बाय वेट. परसेंटेज बाय वेट के बाद हमको क्या लिखना होता है? एटॉमिक वेट. एटॉमिक वेट के बाद हम लोग क्या करते हैं? इस परसेंटेज बाय वेट को एटॉमिक वेट से डिवाइड करते हैं. तो आप लिखोगे परसेंटेज डिवाइडेड बाय एटॉमिक वेट. इसके बाद हम लोग इसका सिंपलेस्ट रेशियो निकालते हैं, सिंपलेस्ट रेशियो, और फिर हम इसका रेशियो फाइंड करके एम्पिरिकल फार्मूला को लिखते हैं. आइए ट्राई करते हैं. यहाँ पे एलिमेंट कौन सा है कंपाउंड में? एक्स और वाई है. तो सबसे पहले हम लिखते हैं एक्स और वाई. परसेंटेज बाई वेट कितना दिया हुआ है? एक्स का जो परसेंटेज बाई वेट दिया हुआ है एक्स 75.8% है. ओके, आपका वाई कितना दिया है? वाई है आपका 24.2%. इसका एक्स का एटॉमिक वेट कितना दे रहा है? एक्स का एटॉमिक वेट 24 और वाई का एटॉमिक वेट 16. तो हम लिखेंगे एक्स का एटॉमिक वेट 24 और वाई का 16. अब हमें क्या करना है? हमको ये जो वेट परसेंटेज है इसको एटॉमिक वेट से डिवाइड करना है इस तरीके से. तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे? 75.8 डिवाइडेड बाई 24 और यहाँ आप क्या लिखोगे? 24.2 डिवाइड बाई 16. अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमको यहाँ पे मिलता है 3.1
और इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको फाइंड अप होता है 1.5, जो कि आपका क्या है यहाँ पे परसेंटेज बाय वेट और एटॉमिक वेट का कैलकुलेशन। हमको सिंपलेस्ट रेशियो फाइंड करना है। सिंपलेस्ट रेशियो हम कैसे फाइंड करते हैं, जो इन वैल्यू में सबसे छोटा वैल्यू होता है उनसे हम और वैल्यू को डिवाइड करते हैं तो सिंपलेस्ट रेशियो फाइंड होता है। तो इन दोनों में छोटा कौन है, 1.5। तो हम क्या करेंगे, 1.5 को इन वैल्यू से डिवाइड करते हैं तो आपका हो जाएगा 3.1 डिवाइडेड बाई 1.5। इसको अगर आप कैलकुलेट करते हो तो आपका सिंपलेस्ट रेशियो 2 आता है। और अगर अब यहाँ हम दूसरे वाले में देखते हैं तो 1.5 डिवाइडेड बाई 1.5 ये 1 आता है। तो इन दोनों का अगर आप रेशियो निकालते हो 2 और 1 आता है। तो आप क्या करते हो, इसका जो एम्पिरिकल फार्मूला होता है उसको लिखते हैं। एम्पिरिकल फार्मूला क्या हो जाएगा बेटा आपका, x और y दो दिए गए हुए हैं तो x का सिंपलेस्ट रेशियो कितना है 2, तो x 2, y का कितना है 1, तो आप y 1 लिखते हो, या आप लिख सकते हो x 2 y, इट इज द एम्पिरिकल फार्मूला, दैट इज आंसर। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन अ कंपाउंड कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट, द परसेंटेज बाई वेट ऑफ कार्बन इज 52.2%, हाइड्रोजन इज 13% एंड ऑक्सीजन इज 34.8% आर प्रेजेंट एंड मॉलिकुलर मास ऑफ कंपाउंड इज 92। कैलकुलेट मॉलिकुलर फार्मूला ऑफ द कंपाउंड। अच्छा, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए देता हूँ, आप इसको सॉल्व करके प्लीज़ कमेंट बॉक्स में इसका आंसर मुझे ज़रूर बताइए। रिलेशन बिटवीन एम्पेरिकल एंड मॉलिकुलर फार्मूला। अगर हम रिलेशन की बात करें तो आपका क्या हो सकता है, मॉलिकुलर फार्मूला इक्वल टू n इंटू एम्पेरिकल फार्मूला, n इंटू एम्पेरिकल फार्मूला। यह n क्या है, n इज द नेचुरल नंबर, आप क्या बोल सकते हो नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में क्या क्या आ सकता है आपका, n इक्वल टू आप लिख सकते हो 1, 2, 3 डॉट एंड सो ऑन। अगर हम देखें हम इसको और किस तरीके से लिख सकते हैं, r n इक्वल टू आप राइट करोगे यहाँ पे मॉलिकुलर फार्मूला बाई एम्पेरिकल फार्मूला, n इक्वल टू मॉलिकुलर फार्मूला बाय एम्पेरिकल फार्मूला। या आप इसको क्या लिख सकते हो, अगर ये मास के टर्म में दिया हुआ है तो आप इसको लिख सकते हैं n इक्वल टू मॉलिकुलर फार्मूला मास बाय एम्पेरिकल फार्मूला मास। बाय एम्पेरिकल फार्मूला मास। तो आपको याद रखना है कि n इक्वल टू द मॉलिक्यूलर फार्मूला मास बाय एम्पेरिकल फार्मूला मास।